हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। उसके सम्स मैंने आपको 7 तक तो एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ पे जाके चैप्टर को आप सीख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अपने आगे के सम पे फॉलो करेंगे, आगे के सम स्टार्ट करेंगे। सो व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, आपको वोल्ट दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, इज अ कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टर के साथ जॉइंट किया गया है। देयर इज अ करंट ऑफ 2 पॉइंट करंट आई, आपको गिवन है 2.5 मिली एम्पियर इज अ सर्किट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आपको आर फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करेंगे अपने सम्स। एग्जाम्पल नंबर 8 था, 12 वोल्ट बैटरी आपको वी गिवन है 12 वोल्ट। इसके अलावा आपको और क्या गिवन था, आई 2.5 मिली एम्पियर। अभी ये लाइट मिली का अपने किस में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ एम्पियर में। सो 2.5 इंटू 10^-3 एम्पियर, करेक्ट। आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस आर। सो ओम्स के लो डायरेक्टली मिल जाएगा ना, वी इज इक्वल टू आई आर। सो आर को अपने सब्जेक्ट बनाएंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है 12, जबकि I की वैल्यू 2.5 इंटू 10^-3। माइनस 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। सो 12 इंटू 1230, यहाँ पे 25 का आपने 25 लिखेंगे, ऊपर 10 जाएगा। सो 5 5 5 2 0, अगेन यहाँ पे भी कट करेंगे, 5 2 0 10 2 0, करेक्ट। 12 2 0 24 24 2 0 48 4 8 0 0, क्या मिलेगा 4 8 0 0 ओम जितना आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, देन रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। सो नेक्स्ट सब में आपको क्या दिया हुआ है, अब बैटरी इज अ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट की आपको बैटरी दी गई है, कनेक्टेड इन द सीरीज कनेक्शन दिया। मीन्स फॉर्मूला क्या आएगा, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ओके, यहाँ पे आपको 4 रेजिस्टेंस दिए, मतलब आर प्लस आर फोर भी आएगा, इज अ एंड 12 ओम, राइट। 1 2 3 4 5, राइट, आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, 5 और दिए गए। हाउ मच द करंट वुड बी थ्रो द 12 रेजिस्टेंस, चलो सो अपने स्टार्ट करेंगे। आपको करंट फाइंड आउट करना है आई। सो एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। सो सबसे पहले अपने को आर एस गिवन है, कितना दिया गया है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ओके, सबका प्लस करेंगे क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा। सो 13.4 ओम जितना आपको आंसर मिलेगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है आई, आपको वोल्ट दे दिया गया है, 9 वोल्ट की बैटरी है। ओके, 9 वोल्ट की बैटरी है। सो फॉर्मूला अपने कौन सा यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पे आर एस लेंगे। सो आर एस इज इक्वल टू V अपॉन आई, V कितना है 9 और I कितना है 13.4। ओके, सो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.67 एम्पियर आपको करंट यहाँ से मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आर एस आता है, आई को आपको यहाँ पे ले जाना है और यहाँ पे आएगा आर एस, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको आई फाइंड आउट करना था करंट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे एग्जांपल नंबर 10 की, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। सो चलो अपने को यहाँ पे क्या दिया, आई दे दिया गया है, करेक्ट। एग्जांपल लिखो, सबसे पहले आई आपको गिवन है, क्या गिवन है, आई आपको दे दिया गया है 5 एम्पियर। ओके, देन नेक्स्ट वोल्ट आपको दे दिया गया 220 वोल्ट। इसके अलावा आपको क्या दिया गया, हाउ मेनी रेजिस्टर, 176 के कितने रेजिस्टेंस आएंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो टोटल आर आपको आर फाइंड करना है। सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना दे दिया गया है
220 और I कितना है 5, सो आंसर आपको क्या मिलेगा 220 डिवाइडेड बाय 5 तो 44 ओम करेक्ट। सो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि 44 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 220 वोल्ट बैटरी के साथ और 5 एम्पियर करंट उसमें से रिमूव हो रहा है। तो चलो अपने ऐसा फाइंड कर लिया। सो अपने को यहाँ पे आगे क्या बताया गया कि भाई 176 ओम की बैटरी होगी, ओके 176 रेजिस्टर्स ओम, सो कितना काउंटिंग होगा, तो यहाँ पे आर टोटल मुझे कितना दे दिया गया है, यहाँ पे आर टोटल है 44 ओम और इसके अलावा क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी गिवन था रेजिस्टर्स आर आपको गिवन था 176 ओम। सो चलो इसको अपने किस तरह करेंगे कि भाई टोटल आपको नंबर्स गिवन है, ये अपने किस तरह करेंगे, सो लिखेंगे यहाँ पे 1/r = 1/r + 1/r अप टू कहाँ तक होगा, एंड टाइम तक होगा, क्योंकि अपने को पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर इसके अंदर आएंगे, तो करेक्ट। तो यहाँ से प्लस 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 एंड टाइम्स तक आएंगे, ओके अनकाउंटेबल होगा। सो अपने सबका प्लस करेंगे तो देखो डिनोमीटर में सबका आर है, तो 1+1+ अप टू प्लस एन तक जाएगा और नीचे क्या आएगा सबका आर। सो यहाँ पे आपके पास 1/r टोटल तो आपको गिवन है, तो इसको अपने किस तरह लिखेंगे 1/r टोटल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा n/r। सो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल RT इज इक्वल टू r/n। तो चलो RT अपने को दे दिया गया 44 जबकि R अपने को गिवन है 176 एंड देन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करने कितना नंबर ऑफ रेजिस्टर इसके अंदर हो गए। सो n इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 44, सो कट करो 44 डिवाइडेड बाय 176, सो 6 डिवाइड करोगे 44 टू जार 88 और 88 का डबल करोगे तो 176, सो 44 इंटू 4 ये कट n इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4, तो मतलब कितने नंबर ऑफ रजिस्टर इसके अंदर जुड़े हुए होंगे 4 नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हो गए 4 नंबर ऑफ रजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड हो गए। आगे के सम की बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की 11 नंबर का सम दिया है। सो हाउ यू वुड द कनेक्टेड द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ द रजिस्टेंस 6 ओम एंड सो दैट द लाइन कॉम्बिनेशन एज द रजिस्टेंस 9 ओम एंड देन 4 ओम, तो अपने को इसको किस तरह कनेक्टेड करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको ऑलरेडी आंसर ये लाना है, एक बार 9 ओम लाना है और एक बार 4 ओम लाना है, बट आपको कितने रेजिस्टेंस के लेने का है, 6 ओम वाले कितने रेजिस्टेंस लेना है, कितना रेजिस्टेंस लोगे तो आंसर उसका 9 ओम आएगा। सो चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि इस टाइप का शायद से हो सकता है। एक तो आपको 6 ओम की बैटरी लेनी है, रेजिस्टेंस आपको 6 ओम का लेने का है, तो चलो मैं इसको कनेक्टेड करता हूँ सबसे पहले पैरेलल में। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लेते हैं, चलो यहाँ पे भी मैंने 6 ओम का लिया, यहाँ पे भी 6 ओम का, मैं सिर्फ एज्यूमिंग करके साम आंसर लाने की ट्राई कर रहा हूँ। सो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/ राइट पैरेलल है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 यहाँ तक आपको गिवन है, तो 1/R1 कितना आएगा 6 प्लस यहाँ पे भी 1/6 ओके सो क्या आएगा 2/6, तो आंसर 2/6 मिला है। सो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो R इज इक्वल टू 6/2, तो RP कितना मिलेगा आपको 3 ओम जितना मिलेगा, मुझे लाना है कितना है 9 ओम ओके। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस मैं कनेक्टेड करता हूँ, मुझे रेजिस्टेंस लेकिन कितना लेने का है रेजिस्टेंस 6 ओम का ही लेने का है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी बनेगी, सो RP + 6 ओम सीरीज में कनेक्टेड हुआ ना भी ये तो राइट। सो आपके पास RP कितना है 3 ओम तो है और ये कितना है आपके पास 6 ओम रेजिस्टेंस वाला, सो टोटल कितना ओम मिला 9 ओम जितना आपको आंसर मिला। चलो नेक्स्ट यही क्वेश्चन में आपको क्या लेने का 6 ओम की आपको रेजिस्टेंस यूज करना है बट आपको आंसर कितना लाना है 4 ओम जितना। चलो स्टार्ट करेंगे,
सो मैं इसको इस तरह कनेक्टेड करता हूँ सबसे पहले। चलो इसको मैंने कहाँ से जोड़ कनेक्टेड किया, सीरीज में, करेक्ट। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या आता है, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, सो दैट 6 + 6 तो कितना मिला 12 ओम, लेकिन मुझे लाना कितना है यार 4 ओम। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से और एक रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करूँगा, यहाँ पे आपका आएगा बी और यहाँ पे आएगा आपका ए। चलो इस तरह का कनेक्ट हुआ, ये भी कितना ओम की रेजिस्टेंस है, 6 ओम। अभी कितना बना, ये आपका आंसर कितना आया 12, और ये दोनों अभी किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/RS + 1/R3, तो RS कितना है 1/12 + 1/6। ओके LCM आपको पता है, दोनों का LCM कितना आएगा 12 आएगा। सो 1 + यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 लाने के लिए, 1 + 2 / 12। सो चलो आंसर कितना मिला, 1/RP इज इक्वल टू 3/12। ओके कट करो 4 आएगा, सो आंसर कितना आएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/4। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ सो कितना आएगा, टोटल 4 रुपये जाएगा, तो 4 ओम आपको आंसर क्लियरली मिलता है यहाँ पे। ओके द नेक्स्ट सम की बात करेंगे, सम बहुत ज़्यादा है ये चैप्टर्स में, और ये चैप्टर में से सम सी बहुत आता है एग्जाम में। चलो यहाँ पे आपको क्या दिया, सर्वल अ इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिज़ाइन किया टू बी यूज ऑन द 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। वाट दिया है आपको, याद रखना। ओके सो हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड, आपको लैम्प्स फाइंड करने, कितने लैम्प आप कनेक्टेड कर सकते हो ईच ऑफ द सीरीज अक्रॉस द 2 वायर्स 220 वोल्ट के लाइन में इन द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज़ अ 5 एम्पियर जितना। तो चलो मुझे यहाँ पे क्या दिया गया, एक तो बल्ब दिया गया 220 वोल्ट, और सबका पावर कितना है 10 वाट जितना है। सो चलो इसके लिए अपने फॉर्मूला कौन सी यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू V² / ρ। ओके 10 वॉट की बैटरी आपको ली गई है यहाँ पे, सो वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, तो 220 × 220 / ρ की वैल्यू कितनी है आपके पास 10। कट करो इन दोनों का, मल्टीप्लाई कर दो 22 × 22 484 और एक ज़ीरो आएगा। ओके इतना आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आपको भाई वोल्ट तो आपको 220 वोल्ट का ही लेना है। ओके एम्पियर आपका करंट कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है, तो आर टोटल आपको कितना मिलेगा, क्यों कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने यहाँ पे, ओम्स लो, वी इज इक्वल टू IR, बट यहाँ पे R लेंगे तो V/I आएगा। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्ट दे दिया गया 220 वोल्ट, और यहाँ पे मुझे करंट भी दे दिया गया कितना 5 का। सो टोटल कितना मिलेगा 5 / 220 / 5, सो आंसर कितना मिलेगा 44 ओम जितना R टोटल मिलेगा। तो आगे के समय मैंने जिस तरह किया था ना 1/R इज इक्वल टू एन तरफ, उसी तरह अपने वही, अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया अगेंडा, आपको सिर्फ बता देता हूँ इस तरह ये वाली फॉर्मूला अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे, RT इज इक्वल टू R टोटल इज इक्वल टू R/N वाली, RT इज इक्वल टू R/N। आपको तो नंबर ऑफ फाइंड करना है ना बल्ब, सो RT कितना है 44, R कितना है आपके पास 4840 / N, N यहाँ पे आ जाएगा 4840 / 44। यार सिंपल है, क्योंकि 22 से यहाँ पे डिवाइड हो चुका, मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये 44 से डिवाइड तो कनेक्टेड होगा ही राइट। सो 110 कितने बल्ब आएंगे, नंबर ऑफ 110 जितने बल्ब आप कनेक्टेड कर सकते हो। ओके देन नेक्स्ट सम की बात करेंगे, 30 नंबर का सम्स रीड कर लेते हैं। अ हॉट प्लेट ऑन एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली इन द सीरीज और इन अ पैरेलल में, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, कितना कितना आपको तीनों तीन करंट का आपको केसेस फाइंड करना है। सबसे पहले केस में आपको क्या दिया है,
चलो पीछे के पेज पे लेते हैं, तो थोड़ा एक ही पेज में पूरा सम हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले एग्जांपल्स कौन सा वाला है, 15 वाला आपको ऑलरेडी 13 वाला वोल्ट आपको दे दिया गया है, 220 वोल्ट। इसके अलावा आपको आर ए और आर एस दे दिया गया है, कितना दिया गया है 24 ओम। ओके ए और बी करेक्ट। सो अपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ पे मैं आर ए लूँ या तो आर बी लूँ। ओके आर ए मतलब पहले वाले बल्ब के लिए, बी मतलब सेकंड वाले कॉइल्स के लिए। ओके सो यहाँ पे आर ए या तो फिर आर बी आप लिख सकते हो। सो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 24, तो आई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 9. कटिंग करोगे तो 9.166 एम्पियर जितना आपको करंट यहाँ से मिलेगा। और हर बार सम क्लिकने के बाद बॉक्स बनाने की हैबिट डालो। सेकंड आपको क्या लिखे, एक सीरीज में आपको लेने का है, कितना सीरीज में। चलो सेकंड कंडीशन पे अपने सीरीज में चलते। सो ए और बी दो रेजिस्टेंस है, तो आर एस आपको कितनी बार मिलेगा, दो बार, आर ए प्लस आर बी। सो 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48 ओम करेक्ट। सो यहाँ पे अपने भी क्या फाइंड करना है, करंट आई एस इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस। तो यहाँ पे वी कितना आपके पास 220 वोल्ट और आर एस कितना, आर कितना आपको आपके पास 48, डिवाइडेड करो 4.58 जितना आपको यहाँ पे करंट मिलेगा सीरीज के लिए। ओके अभी आपको यही में करना है पैरेलल के लिए, यही चीज 1/RP इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB करेक्ट। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1/24 प्लस 1/24। सो आंसर क्या मिलेगा, 2/24 RP। कट करोगे तो कितना आएगा, RP इज इक्वल टू 1/12। ओके सो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो RP आपको कितना मिलेगा, रेजिस्टेंस इज द पैरेलल 12 ओम जितना मिलेगा। बट आपको करंट फाइंड आउट करने है तीनों कंडीशन में। सो फर्स्ट वाला में कंडीशन फाइंड किया, सेकंड कंडीशन में सीरीज में, और थर्ड पैरेलल में करेंगे। IP इज इक्वल टू V/RP, वी तो आपके पास सेम है 220 वोल्ट और यहाँ पे आएगा 12, तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, कटिंग करोगे तो 18.33 ओम जितना आपको यहाँ पे करंट मिलेगा पैरेलल में। ओके देन नेक्स्ट हम पे चलेंगे। सो 40 नंबर वाला सम्स है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, कंपेयर द पावर इज यूज 2 ओम रेजिस्टेंस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। आपको अलग अलग सर्किट दिए गए, एक तो 6 वोल्ट की बैटरी दिया गया इन अ सीरीज विद द 1 ओम एंड द 2 ओम रेजिस्टर आपको गिवन है। सेकंड में क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी इन द पैरेलल, यहाँ पे क्या था सीरीज था, यहाँ पे था पैरेलल था, 12 ओम एंड 2 ओम। सो चलो आपको ऑलरेडी पहले में सीरीज दिया गया है, सेकंड में आपको क्या दिया गया है, यार पैरेलल दिया गया। तो चलो इसके साथ अपने सम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आर एस, पहले एक तो ओम 1 ओम और द सेकंड 2 ओम का, तो अपने वही करेंगे। आर एस इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन के लिए 1 ओम का और एक 2 ओम का था, तो कितना हुआ टोटल, 3 ओम मिला सीरीज में। सो आपको यहाँ पे वोल्ट कितना दे दिया गया, 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, तो आई एस इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस, वी कितना आपके पास 6/3, तो कितना मिलेगा आपको, 2 एम्पियर जितना आपको यहाँ पे करंट मिलेगा, 2 एम्पियर जितना। ओके बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, पावर, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर फॉर्मूला, आई कितना मिला 2 का स्क्वायर आएगा 4, और रेजिस्टेंस कितना आप है आपके पास, आर कितना है 2। ओके सो आपको कितना मिलेगा, आर एस सेकेंड नंबर की बैटरी आपको लेने की, ओके 2 रेजिस्टर्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है, राइट 2 ओम, ये वाला नहीं लेने का, फिर आपको ये वाला काउंटिंग में लेना है करेक्ट। सो कितना मिलेगा, 8 पावर आपको कितना मिलेगा, 8 वाट जितना मिलेगा करेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, वहाँ पे आपको क्या दिया, 4 वोल्ट की बैटरी दी है और पैरेलल कनेक्शन दिया है। ओके सो अपने यहाँ पे वही करेंगे,
यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 12 ओम की रेजिस्टेंस दिया गया और 2 ओम का रेजिस्टर्स कनेक्टेड कर दिया गया पैरेलल में, एंड 4 वोल्ट की आपको बैटरी यूज़ करनी इज अ कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद दिस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसका डायरेक्टली अपने करेंगे P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V कितना दिया गया आपको, फोर वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दी गई है, सो 4 का स्क्वायर भी कितना आएगा 16, एंड रेजिस्टेंस आपको कितना दिया 2 ओम, सो P2 आपको कितना मिलेगा, कट करोगे तो 8 वॉट। मींस दोनों में P1 अपॉन P2 अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई उनका कितना आएगा, सो P1 अपॉन P2 सीरीज का रोल पैरेलल का लो, दोनों का आंसर कितना मिल रहा है आपको, इक्वल मिल रहा है। ओके नेक्स्ट हम की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15। सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 2 लैम्प्स 1 रेटेड 100 वॉट, मतलब पी दे दिया गया 220 वॉल्ट बैटरी के लिए, एंड अनदर 60 वॉट एट अ 220 वॉल्ट, मतलब दोनों में वॉल्ट सेम है बट बैटरी वॉल्ट क्या है दोनों में डिफरेंट है, वॉट डिफरेंट है वॉल्ट सेम है, आर कनेक्ट इन द पैरेलल इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, सो वॉट करंट इज द ड्रोन द फ्रॉम दिस लाइन सप्लाई विद द वोल्टेज इज अ 220 वॉल्ट। चलो स्टार्ट करेंगे। सो अपने पास फॉर्मूला ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे है, आगे अपने ने यही फॉर्मूला यूज़ किया था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, बट यहाँ पे अपने को P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर अपने पास फॉर्मूला थी, यहाँ पे मैंने V क्या लिखा है 1 लिखा है, बट मुझे R1 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। V कितना दे दिया गया 220 इनटू 220, P1 आपको कितना दिया गया फर्स्ट के लिए 100 वॉट, ओके 220 यहाँ पे 0 0, ये 0 कट होगा, तो 22 इंटू 22, अभी एडजस्ट अपने ने मल्टीप्लाई किया था 484 ओम, ओके ये R1 मिला। तो सेकंड के लिए अपने यही कंडीशन अप्लाई करेंगे डायरेक्टली R2, यही फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P2, तो 220 वोल्ट इंटू 220, बट आपके पास P2 यहाँ पे आपको कितना दिया गया 60 वॉट की बैटरी दी गई है 60 वॉट, ओके 0 0 कट होगा, सो यहाँ पे अपने कटिंग करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 3 2000, यहाँ पे कट करो 11, अभी आपको 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 806.7 ओम की, करेक्ट यहाँ तक का, ओके देन नेक्स्ट बात करेंगे आपको लैंप को पैरेलल कनेक्शन में अपने जोड़ते हैं तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको वही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो सो पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको यही बताया गया है कि किस तरह यहाँ पे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, तो अपने को पैरेलल कनेक्शन फाइंड करना पड़ेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चलो ये R2 यहाँ पे जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये क्या है 1 अपॉन RP, सो मैं रेसिप्रोकल करूँगा रेजिस्टेंस पैरेलल R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ओके सो R1 कितना मिला था आपको 484 इंटू 806.7 सेकंड रेजिस्टेंस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे प्लस होगा 484 प्लस 806.7, इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको लिख रहा हूँ, आपको काउंटिंग कर लेना है 302, क्योंकि मैंने काउंटिंग करके रखा था ऑलरेडी, क्योंकि इतनी बार मैंने सम सॉल्व किए इसलिए हमको याद होते आंसर 302.6 ओम जितना। I इज इक्वल टू करंट भी फाइंड आउट करना है V अपॉन RP का, V कितना दिया इसमें 220 अपॉन 302.6, कितना मिलेगा आपको 0.727 समथिंग आंसर आपको मिलेगा, जिसको अपने 0.73 अपने लिख सकते हैं। ओके आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके बाकी के जो दो सम बाकी वो आप खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, अगेन टाइम इसका अपने दो सम्स बाकी उसके अपने वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे, बट अगर आपको नहीं आता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के आप बता सकते हो। ओके सो बाकी का आपका अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।